अरे कोई आ रहा है ना, सीताफल बांध लो। उधर वो लगाए जा रहे हैं। ये कैसे बांध लो? नमस्ते दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं पिकनिक मनाने शिवनाथ नदी के पास, और हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। और ये हमारा काम में लग चुका है ऋषभ बघेल, प्याज काट रहा है, और ये लोग दिशिका निहार और पल आगे लोग सीताफल तोड़ रहे हैं, सीताफल चोरी कर रहे हैं मेरे गाँव आके। तेरा गाँव है कौन? उस साइड आगे यही छे, मतलब यही मेरा गाँव है। तो आपको दिखाते हैं लोग कहाँ से सीताफल तोड़ रहे हैं। चलो चलो सीताफल तोड़ने। क्या बोलते उसका गाँव बहुत अच्छा है, तेरा तो कुछ भी नहीं है बोलेगा। मतलब उसका ज्यादा अच्छा गाँव, इसलिए वो बुरा रहा है। आइए मिलिए मेरे गाँव से। अरे देख ऐसे उठा लो। अरे टणंग टणंग टंग टणंग विश्व के भी रूप बदलते। आइए बहन, ये मेरा घर है, आइए। हमें सीताफल मिला यहाँ से, एक वीडियो तोड़ते हुए भी निकाल ले। अरे यहीं पे था, ये देखो, ये ले। तो इसको पकाना पड़ेगा। सब तोड़ के ला ले रहे हो, कुछ पका नहीं है, तो ये पकेगा भी नहीं। यहाँ काम ही है। क्या चीज बता? मैं दूंगी। वो देख बड़ा वाला कहाँ है? मैं दूंगी। ये देख, यहाँ देख, ये तो है। अगर वो आ गया ना मालिक, भेज देगा हमको। बड़ा मालूम है ना, मैं तो आई हूँ अरे कोई आ रहा है ना, सीताफल बांध लो। उधर वो लगाए जा रहे हैं। ये कैसे बांध लो? पंजाब मत दिखा, नहीं कुछ होगा क्या? पेड़ है तो भाई तोड़ूंगी। वाह, पेड़ तोड़ने की होता है फल। भगवान चाहते हैं कि फल की प्राप्ति सभी को हो। जल्दी बनाए जाते हैं, क्योंकि जब खेती थी करते हैं ना, तो फिर बंदर अंदर ना के खराब करे, तो यहाँ रुकते हैं रात को। हाँ, रात भर दोपहर में भी तो उठना पड़ता है ना देखने के लिए। और ये बोर है, बोर का मोटर है, सबके उसमें बोर रहता है। आपने भी देखे होंगे, डाला पोटली में। बहुत दूर है, हम चले यहाँ पे ना। गिरेगी ना ये चप्पल? नहीं पहनी थी, बहुत हील है। पलक क्या मालूम गाइस, अगर आपको पता है कि कौन से फूल है तो कमेंट में जरूर बताना कि कौन से फूल है। अच्छा दिख रहा है, पूरा ज्यादा सुंदर दिख रहा है। चलो अभी हमारा दोस्त ऋषभ हमारे लिए नाश्ता बना के रखा होगा। वो क्या बना रहा था? भेल बना रहा था। ऋषभ ने पूरी तैयारी कर लिया, दिखा ऋषभ। बेचारा हमारे लिए सब चीज बना के रखा था, हम लोग घूम के आ रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ भेल विद सॉस, ये भगवान। इन लोगों को तो बहुत टेस्टी लग रहा है, अब देखते हैं हमारा क्या होता है। वो बचपन से खाता है। खा पी के हो गया और हम लोग भेल बनाए थे, मेरे को बहुत टेस्टी लगा, थोड़ा तीखा भी लगा। ये तो खा नहीं। मेरा बॉटल क्या दिखता है, मत करो तुम लोग। और हम लोग फिर इससे अपना तीखा को वो किया, कम किया है। सलीम मीठा खाए बोल। तीखा, हाँ मीठा। हर्शीज एक्सोटिक डार्क कैलिफोर्नियन आलमंड्स, टेस्टी तो लगा बहुत, लेकिन करने बोला है क्या? थोड़ा सा स्टार्टिंग में मसल नहीं आया, लेकिन जब बहुत ज्यादा तीखा लगा तब खा लिया तब अच्छा लगा। और अब यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं दिखा, सीताफल। और हम लोग इतने सारे सीताफल तोड़ के लाए हैं, अभी लोग अपने अपने घर ले जाएंगे और पका के खाएंगे। पानी वानी का सब खत्म हो गया, अब घर जाने का टाइम आ गया, तो अब चलते हैं घर।
अब शाम हो गया है, अब घर चले, घर वापस जाने का टाइम हो गया, तो चलते। कितना सुंदर व्यू लग रहा है था शाम के टाइम पे, गांव की बात ही अलग होती है, बहुत प्यारा लग रहा है। सुंदर सा स्पॉट है शाम को पिकनिक मनाने के लिए, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम लोग गाँव से निकल गए हैं और अब हम लोग आए हैं कुछ खाने, थोड़ा सा और पेट पूजा करने। ये ठाकुर होटल जो है ज़्यादा फेमस है, चलो कुछ खाते हैं। हम खा रहे हैं ठाकुर होटल का सबसे टेस्टी वड़ा, जिसके लिए ठाकुर होटल फेमस है। ये है मूंग वड़ा, जो कि आता है 25 रुपये का चार, और जो कि बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ हमें मिलता है लाल चटनी और कड़ी, बहुत अच्छा। ओके, सो आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा ही मस्ती की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में। आप भी जाएं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने, टाइम स्पेंड करने। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।